गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इंडियन रीजनल कुकरी। ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर है, तो प्लीज़ इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप इजी गोइंग वे में प्रिपेयर करते जाएं और हैंड टू हैंड इट्स के नोट्स भी बना लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। इस चैप्टर में हम इंडिया के 4 जोन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन सभी जोनों के फेमस स्टेट, उनके स्टेपल फूड, इंग्रेडिएंट्स और उनके डिशेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अवध, ये सभी स्टेट्स आते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट होता है आपका स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या चीज़ है? जिस जगह जिस चीज़ की खेती की जाए या फिर जो चीज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा खाने में यूज़ होती है, उगाई जाती है, जो चीज़ जहाँ ज़्यादा उगेगी वो वहाँ उतनी ही क्वांटिटी में खाई जाएगी। तो स्टेपल फूड मींस जो फूड आइटम वहाँ पर जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो कहलाता है आपका स्टेपल फूड। जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का स्टेपल फूड क्या है? राइस, लोकल ब्रेड। मेन इंग्रेडिएंट्स हैं लोटस स्टेम, प्रान, सैफ्रोन, मोरल, साग, वर। वर क्या है? एक स्पेशल मसाले तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे मसालों को मिलाकर इनको पीसा जाता है, उसको फिर सुखाया जाता है सनलाइट में और बाद में उनको एक टिक्की की तरह शेप दी जाती है। जैसे हमारे घरों में हम मंगौड़ियाँ बनाते हैं, बड़ी जिसे बोलते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे मसालों को ग्राइंड करने के बाद उनको पेस्ट बना लिया जाता है और उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली जाती हैं, उसको फिर सनलाइट में सुखा के स्टोर कर लिया जाता है। और जब वहाँ पर कोई रॉयल फूड बनाया जाता है, फेमस कुजींस में वहाँ पर उस मसाले को यूज़ किया जाता है। फेमस डिश है वहाँ की रोगन जोश, दम आलू, कहवा, रिश्ता, यखनी, मोस्टली आपके नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं। बट कहवा क्या है? कश्मीरी ग्रीन टी। कश्मीरी ग्रीन टी को कहवा कहा जाता है और जिसमें सैफ्रॉन और अदर ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल। हिमाचल में क्या है? हिमाचल, पंजाब, नेक्स्ट हरियाणा, ये तीन स्टेट जो हैं सभी सिमिलर रोड पर हैं, सभी आसपास में हैं। तो क्या है यहाँ पर? राइस और वीट, इन तीनों में स्टेपल फूड सेम है। फिश, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और सीजनल वेजिटेबल्स, ये इनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। हिमाचल की फेमस डिशेज़ हैं मद्रा, मिठा, कुल्लू ट्राउ और सिडू। सिडू क्या है? वहाँ की लोकल ब्रेड, जो वहाँ पर लोकल ब्रेड का यूज़ किया जाता है उसका नाम है सिडू। ये वहाँ की बेकरीज में प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ पंजाब। पंजाब में मेन इंग्रेडिएंट्स, पंजाबी लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन बहुत होते हैं, तो वहाँ पर क्या है? मीट, फिश, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट और सीजनल आपकी वेजिटेबल्स। पंजाबी डिशेस आपको पता ही होंगी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पिंडी छोले, दाल मखनी, दाल अमृतसरी। नेक्स्ट इज़ हरियाणा। स्टेपल फूड सेम और आपका इंग्रेडिएंट्स मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट। आपकी मेन डिशेस हैं मिक्स दाल, बाजरा, कचरी, अलसी की पिन्नी और कचरी की चटनी। अलसी की पिन्नी यानी कि जो अलसी हमारे अलसी के बीज आते हैं उससे ये स्वीट तैयार किया जाता है, एक स्वीट डिश है। और अलसी क्या है? ओमेगा 3 रिच है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं मैं आपको बता रही हूँ, अलसी ओमेगा 3 रिच है और इसमें आयरन भी हाई अमाउंट में होता है। नेक्स्ट इज आपका नॉर्थ जोन में आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि जिस जोन में हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो हमारे यहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा वीट और शुगर केन, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन मिलता है। तो यहाँ पर स्टेपल फूड यही है।
यूपी के फेमस डिशेज हैं ठंडाई, घेवर, पेठा, पेड़ा, गुंजिया और गज्जक और खिचड़ी। ये क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का फेमस डिशेज हैं। तो हमारा पेठा कहाँ का फेमस है? आगरा का पेठा फेमस है, मथुरा के पेड़े फेमस हैं। घेवर हम कब खाते हैं? सावन में। गुंजिया हम कब खाते हैं? होली पर। इसी तरीके से गज्जक और खिचड़ी क्या है? मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। मैं हैंड टू हैंड आपको फेस्टिवल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस ये चैप्टर में ये डिशेस फेस्टिवल से भी रिलेट की गई हैं, तो इससे भी बनकर क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लखनऊ और अवध। लखनऊ और अवध कुजीन्स जो हैं मेनली मुगलई और नवाबी कुजीन्स हैं। यहाँ पर नवाबी खाना ज़्यादा बनता है, तो इनके जो मसाले होते हैं हमारे मसालों से कुछ डिफरेंस होते हैं और कुछ रॉयल मसाले होते हैं। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। लज्जत-ए-ताम जैसे अपने यहाँ गरम मसाला हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे मसालों को मिलाकर ये लज्जत-ए-ताम मसाला तैयार किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर खाने में काबजी चीनी, शाही जीरा, जावित्री, केसर का यूज़ किया जाता है। और डिशेज है वहाँ की फेमस पुलाव, शीरमल, शमी कबाब, ककोरी कबाब एंड शाही टुकड़ा। तो स्टूडेंट्स आप इन नोट्स को हैंड टू हैंड इसी तरीके से डायग्राम वे में बनाते चलिए।